हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज आपके साथ ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जो भी न्यूली ब्राइड्स हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में आपको आफ्टर मैरिज में जाना है, पार्टी में मेकअप करना है, तो आप इस लुक को ईजिली कैरी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट करना स्किन को बहुत ज़रूरी है गाइस, मेकअप से पहले, तभी आपका बेस फ्लॉलेस आएगा और आपकी स्किन भी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, ड्राई नहीं होगी। उसके बाद प्राइमर लगाना है आपको। कोई भी अपना अपना प्राइमर फेवरेट लगा सकते हैं। प्राइमर लगाने से आपके सारे जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं फेस पे, वो फिल हो जाएंगे और आपका बेस फ्लॉलेस आएगा। उसके बाद मैं स्टे कर्क का फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, हाई कवरेज ले सकते हैं, इवन आप लैक्मे सीसी क्रीम के साथ भी एकदम अच्छे से फ्लॉलेस बेस वाला मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। एक मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसको अच्छे से नेक पे भी आपको लगाना है। उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अंडर आइज़ में डार्कनेस होती है हमारे, जहाँ भी अब थोड़े बहुत स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर लगा के आप इसको एज अ हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसे अच्छे से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। बहुत ही अच्छी हाई कवरेज वाला जो कंसीलर है स्विस ब्यूटी का, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। आपको दोनों साइड पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, तभी आपका बेस जो है फ्लॉलेस आएगा। उसके बाद मैं बेकिंग करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं मेरी ड्राई स्किन है तो मैं कोई भी कॉम्पैक्ट वगैरह ऐसा यूज़ नहीं करती, कभी कभी लगा लेती हूँ। लेकिन ऐसे अगर आप पूरा मेकअप सेट करने जाएंगे तो आप ड्राई स्किन वालों को लूज़ पाउडर बेस्ट रहता है बेकिंग करना। ऑयली स्किन वाले बेकिंग भी कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट हेल्प से सेट भी करेंगे, तब उनका बेस जो है फ्लॉलेस आएगा, ठीक है। ड्राई स्किन वालों का जो काम है वो बेकिंग से हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आईब्रोज को फिल कर लूँगी। अपनी जो नेचुरल शेप है उसी में आपको फिल करना है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं करना। उसके बाद 30 सेकंड तक मैंने अपने बेकिंग को छोड़ा। उसके बाद जितना प्रोडक्ट स्किन को चाहिए था उसने ले लिया, बाकी का एक्सेस जो है हम रिमूव कर देंगे एक ब्रश की हेल्प से। और आप, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी बेस मेरा। उसके बाद मैं आई मेकअप आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल बताने वाली हूँ। जस्ट टू कलर के साथ आपको आई मेकअप करना है। यहाँ पर एक मैंने ऑरेंज शी रेड शेड लेके, ठीक है, अपनी क्रीज लाइन में आउटर वी पे फोकस करके सारी अपनी क्रीज लाइन में उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद एक सिल्वर शेड ले रही हूँ और उसमें उसको अपनी इनर लिड पे लगा रही हूँ, यानी कि हमारी जो जितनी भी लिड है इनर से लेके आउटर तक वहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लैक्मे का इंस्टा लाइनर लेके एक विंग लाइनर बनाऊंगी। ब्रॉड विंग लाइनर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और विंग लाइनर बनाना बहुत ईजी है और आप देख ले, बहुत अच्छा लुक आता है इसे। उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ये मेबलिन का मस्कारा है, वाटरप्रूफ वाला। और मस्कारा ज़रूर लगाएं लैशेस लगाने से पहले, इससे आपके नेचुरल लैशेस जो है अपने आपकी फॉल लैशेस में मर्ज हो जाएंगे। आप कर्ल भी कर सकते हैं लैशेस को। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ। ये काजल है एलेटीन का, बहुत ही अच्छा काजल है, वाटरप्रूफ है, एज अफोर्डेबल भी है। उसके बाद ये जो स्टेप कर रही हूँ ये है अपने काजल को स्मोक आउट कर रही हूँ, और आप इंस्टेंटली मेरी आई दोनों आइज़ में डिफरेंस दे सकते हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इसको एक एंगुलर, आप देख लो डिफरेंस। एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक शेड लेके अपने काजल को स्मज कर लिया, स्मोक आउट कर लिया। इससे आपका काजल बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है और आइज़ का लुक बहुत ही अच्छा आता है, बड़ी बड़ी आँखें दिखने लग जाती हैं। लैशेस मैंने लगा ली हैं ऑफ कैमरा, आप देख लें ये अमेजोन की लैशेस हैं। उसके बाद मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ फेस की, और ब्रॉन्जअप करना फेस को बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो ब्रॉन्जअप थोड़ा सा ज़रूर करें, लिटिल बिट, तो उससे बड़ा अच्छा एक स्कल्प्टेड लुक आता है। नोज़ को भी थोड़ा सा कर ले रही। उसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी पिंक शेड का, बहुत ही अच्छा नेचुरल सा आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। एक ब्रश की हेल्प से आपको लगाना है। आप अपने फेवरेट कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, बाकी अगर इनमें से आपको कुछ चाहिए तो मैं इनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, इनके साथ चेकआउट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं हाइलाइटर अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पे लगाऊंगी। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है, अपनी ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को भी हाइलाइट कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक है, ये मार्स की लिपस्टिक है, लोकल स्टोर की है, सॉरी इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। रेड लिपस्टिक आप लगा सकती हैं, अपने अपनी फेवरेट कोई भी लिपस्टिक लगा सकती हैं। उसके बाद मैं मेकअप को सेट कर लूँगी। दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक है। आप बताएं आपको कैसा लगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है अगर आप ऐसे मेकअप करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्विक मेकअप हो जाता है एकदम फटाफट, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है और
आप बताएं आपको कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। सो या गाइस, मिलती हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।